इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रमापति शास्त्री को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शनिवार को सुबह राजभवन में प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को दिलाई जाएगी शपथ और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी चुने हुए विधायकों को दिलाएंगे शपथ। तो ये बड़ी खबर, जहां रमापति शास्त्री को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर लिया है और शनिवार को सुबह राजभवन में प्रोटेम स्पीकर ही रमापति शास्त्री को दिलाई जाएगी उन्हें शपथ और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर चुने हुए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लखनऊ से देंगे। विवेक, और क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए अनु, 17 नाम भेजे गए थे राज्यपाल को, जिसमें से एक नाम पर मुहर लगी है, रमापति शास्त्री। और ये गोंडा की मनकापुर सीट से जीते हैं, 10वीं बार जीते हैं, लगातार 10वीं बार जीते हैं विधानसभा में। इनका कद बहुत ऊंचा और सबसे सीनियर लीडर है। अमूमन ये होता है कि सीनियर लीडर को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो इनके नाम पे मुहर लग गई। हालांकि आजम खान भी थे और तमाम बड़े नेता भी शामिल थे। विपक्ष के किसी नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाकर एक मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही, चूंकि पिछली बार भी रमापति शास्त्री जो पिछली सरकार थी उसमें मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दलित चेहरा है, यानी भाजपा ने नई सरकार के गठन का पहला चेहरा दलित सामने लाकर यह तय कर दिया है कि जातीय समीकरण संतुलित किए जाएंगे, साधे जाएंगे और इसका रिफ्लेक्शन जब आगे मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उस पर भी नजर आएगा, जातीय संतुलन वहां भी साधे जाएंगे। तो शनिवार सुबह सबसे पहले रमापति शास्त्री शपथ लेंगे, राज्यपाल के आवास जाके वहां पर राजभवन जाकर शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो विधानसभा जाएंगे जहां पर सभी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। इसके बाद बारी आती है, जो स्पीकर होते हैं उनकी बारी आती है। प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हैं। उसके बाद जो चुनाव होता है, यानी स्पीकर का चुनाव होता है, वो चुनाव भी वही कराते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हीं को आगे ये मौका दे दिया जाए कि वो स्पीकर बन जाए। ये भी हो सकता है कोई नया नाम सामने आ जाए, बहुत सारे नाम स्पीकर के लिए भी हैं। सुरेश खन्ना का नाम सबसे प्रबल पहले नंबर पे चल रहा है, तो स्पीकर वो भी बन सकते हैं। फिलहाल रमापति शास्त्री बड़ा चेहरा है, 10 बार विधायक रहे हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो उनका प्रोटेम स्पीकर बनना कई मायनों से भारतीय जनता पार्टी के जो अगले कदम होंगे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको शो कर रहा है कि किस तरह से जातीय संतुलन साधे जाएंगे। दलित चेहरा चुकी है तो सबसे पहले जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको सम्मान देना है, उनको स्थान देना है मंत्रिमंडल में। बहुत और देखिए विवेक, यही होता है, हर एक कदम में संकेत लेने की, संदेश लेने की कोशिश की जाती है। और आपने जैसा कहा कि ये नाम भी एक संदेश देता है कि किस तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा विवेक। और